नमस्कार। उत्तराखंड का सभी लोगों आगे आजा को उत्तराखंड रविवार। जी हाँ, उत्तराखंड रविवार जय मां हुंदी ने उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर आपा का अपनी बोली भाषा में। तो आज उत्तराखंड रविवार में खास बात करला हम उत्तराखंड में जल्द खुलने वाला कैंसर इंस्टीट्यूट की। साथ ही बात करला हम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोविड संक्रमण को रोकना खुण समीक्षा बैठक की। और भी होली कई छोटी बड़ी खबर हमारा ये रविवार में शुरू कर ला अपना खास बुलेटिन उत्तराखंड रविवार। पुंछ जिला में पाक सैनिकों की गोलीबारी में शहीद हुआ 16वीं गढ़वाल राइफल का सूबेदार स्वतंत्र सिंह को आज पूरा सैन्य सम्मान दगड़ी अंतिम संस्कार के गया। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचा छाया। आज सवेर उनका पैतृक गांव उड़ियारी द्वारिखाल ब्लॉक में उनका पार्थिव शरीर पहुंची। माँ और पत्नी और बच्चों को रो रो कर बुरो हालचा। मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के रूप में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहनी। उला उठे की श्रद्धांजलि दीनी। ये मौका पर कई लोगों ला उनको नौ को जयकार लगायो। भारत माता की जय, वीर स्वतंत्र तुम अमर रहो का नारा लोगों ने लगाई। पैतृक गांव उड़ियारी में स्थित पैतृक घाट पर उनको अंतिम संस्कार किया गया। ये मौका पर हजारों लोगों की आंखा नम छाई। हम उड़ियारी के वीर सपूत 16 गढ़वाल रेजिमेंट के सूबेदार स्वतंत्र सिंह रावत जी देश के लिए अपना अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति शहीद हो गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर अपने सिरचरणों में उनको स्थान दे, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहने की। द्वारिखाल उड़ियार गांव के 16वीं गढ़वाल राइफल के जवान सूबेदार श्री स्वतंत्र सिंह जी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। भगवान इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करे। हमारा पूरा ब्लॉक इस दुख की घड़ी में शहीद स्वतंत्र सिंह जी के परिजनों के साथ खड़ा है। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व पर श्रद्धालु ऋषिकेश में गंगा नदी और जिला की दूसरी पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकला। जिला प्रशासन ला कोरोना संक्रमण थे की ध्यान में राखी के नदी घाटों पर स्नान और आवागमन थे की प्रतिबंधित कर दियाला। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव को पूछा कि कोविड-19 संक्रमण का चलता नदियों में स्नान पर पूरी रोक चा। भगवान विष्णु की आराधना भक्ति पूजा जप दान को पवित्र माह कार्तिक माह को समापन 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का दगड़ी वालो और दिन गंगा स्नान को विशेष महत्व चा। ये मौका पर हरिद्वार माँ भारी भीड़ हूँ दिछाई, लेकिन ये बार इन्नी होलो। सचिवालय परिसर में आज शासन का उच्चाधिकारियों और जिलाधिकारियों का दगड़ी प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लगाया। वर्तमान टेस्टिंग लैब को पूर्व उपयोग के साथ सीएम ला कोविड टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारियों थे कि भी ये निर्देश दिया छिन कि ग्राम प्रधान आशा कार्यकर्ती कोरोना का मरीजों की जानकारी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य भेजा। कोरोना से के बचाव में जनभागीदारी पर भी मुख्यमंत्री ला जोर दिया। जयखुड़ी ग्राम प्रधान और आशा कार्यकर्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण चा। उन्होंने फिर बोला कि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की ओपीडी 1 दिसंबर बटे की शुरू होने चा। हर ओपीडी में एक दिन में 25 मरीज ही दिखे जाला। वकी 15 दिसंबर तक इसी देखेंगे कि मरीजों की संख्या बढ़ाने पर विचार किए जालो। देहरादून का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय थे कि मार्च माह कोविड हॉस्पिटल में बदल दे गया और यह केवल कोरोना संक्रमितों को ही उपचार चलनो छायो। कोरोना का एक्टिव केस कम होने पर यखा 2 नवंबर से की कार्डियोलॉजी, त्वचा, मानसिक रोग, कैंसर, रेडियोथेरेपी और बाल रोग की ओपीडी शुरू हुए छाई। लेकिन अब सभी विभागों की ओपीडी सोमवार से की शनिवार तक की संचालित किए जाले, जबकि कार्डियोलॉजी खुण ओपीडी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चल रही। अब ओपीडी बिल्डिंग में ही एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी की सुविधा भी मरीजों थे की मिल ली। टाटा समूह का प्रमुख रतन टाटला राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी थे की पत्र लिख के कि ये संस्थान खुलने की जानकारी दिए जा। अब जल्द ही प्रदेश में टाटा कैंसर संस्थान थे की स्थापित करने को काम भी शुरू है वालू। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बोला कि जब वो कैंसर का इलाज खुण मुंबई के अस्पताल में भर्ती छाया
तब वो ये सोचना चाहे कि इन इलाज का उत्तराखंड का लोको थे कि मिल लो। जगह बाद उन्हें कैंसर इंस्टीट्यूट संस्थान टाटा से की संपर्क के छायो। प्रदेश सरकार ला टाटा ट्रस्ट का दगड़ी कैंसर संस्थान को MOU भी साल 2017 में साइन के छायो। अब टाटा समूह का प्रमुख रतन टाटा ला सांसद अनिल बलूनी थे कि चिट्ठी का माध्यम से कि कैंसर संस्थान खुलना की जानकारी दी जा। कैंसर संस्थान खुलने से कि यखा के लोग थे कि मदद मिल ली। तो ये चाहिए हमारो आज को उत्तराखंड रह बार। उम्मीद करता चन कि आप थे कि हमारो प्रयास बेहद पसंद आलू और हमारी कोशिश चाह कि अगणे आप थे कि हर खबर हम अपनी पूरी भाषा में पहुंचा सकें। तो हमारे चैनल थे कि आपको सपोर्ट की जरूरत चाह। हमारे चैनल थे कि आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। तो आज का उत्तराखंड रह बार में इतना ही। नमस्कार।